हम सब ये जानते हैं कि कैट्स को पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह कम ऑन भाई, तू कर सकता है। लेकिन जब भी जंगल में यह बड़ी बिल्लियां भूखी होती हैं, तब यह किसी भी लिमिट तक जा सकती हैं। अफ्रीका के जंगल में जब भी कोई जानवर नदी के पास जाता है, तब वहां उसे सिर्फ एक ही जीव का डर हमेशा बना रहता है, और वो है क्रोकोडाइल्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे दिलचस्प मूवमेंट देखने को मिलेंगे जहाँ जंगल के राजा का आमना सामना खुद पानी के दैत्य मगरमच्छ से हो गया। तो बिना समय गवाए चलिए करते हैं वीडियो शुरू। मगरमच्छ हमला करने से पहले अपने शिकार का उससे 2 मीटर की दूरी पर आने का इंतजार करता है, और जैसे ही शिकार 2 मीटर की दूरी पर आ जाता है, तब वह एक चौंकाने वाली स्पीड से उन पर हमला कर देते हैं। और यह स्पीड इतनी तेज होती है कि सिर्फ 1 सेकंड में मगरमच्छ पानी से बाहर 2 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि मगरमच्छ 200 किलोग्राम और उससे भी भारी जानवर को अपने जबड़ों में दबाकर पानी में खींच सकता है। और एक बार पानी में आने के बाद यह गोल गोल घूमने लगता है, जिसे डेथ रो भी कहा जाता है, जिसकी वजह से शिकार की बॉडी पर इतना दबाव पड़ता है कि उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं, और पानी में दम घुटने की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। तो आप जान गए होंगे कि मगरमच्छ कितना छुपा रुस्तम होते हैं, और इसलिए जहां मगरमच्छ रहते हैं वहां बाकी कोई जानवर कंफर्टेबल नहीं रहते, सिवाय एक प्रजाति के, और वो है हमारे बिग कैट्स की प्रजाति। क्योंकि सबका शिकार करने वाले मगरमच्छ का भी शिकार यह जंगली बिल्लियां आसानी से कर लेती हैं। जैसे कि नंबर 5 पर है जैगवार, यानी तेंदुआ। भाई साहब, हमारा तेंदुआ इतना ज्यादा खूंखार होता है कि भूख लगने पर यह मगरमच्छ को भी नहीं बख्शता, और यह उसी के घर में घुसकर मगरमच्छ को अपने जबड़ों में दबाकर बाहर ले आता है। और बशर्ते यह तेंदुआ काफी भूखा रहा होगा, जो कि इतना बड़ा रिस्क ले गया। और वहीं एक दूसरी पिक्चर देखिए, जहां एक तेंदुआ फूंक फूंक कर कदम रखकर नदी के बीचों बीच बैठे एक लगभग वयस्क मगरमच्छ के पास चला जाता है, जिसके लिए बिल्ली पानी में भीगने की फिक्र किए बिना ही तैरकर मगरमच्छ के बिल्कुल पास पहुंच जाती है, और मगरमच्छ के हमला करने से पहले ही खुद मगरमच्छ को ही धर दबोचती है। और तेंदुए की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि आखिरी में इस मगरमच्छ को दम तोड़ना ही पड़ता है। नंबर 4 पर है लायन। मगरमच्छ को खाने की सुगंध पानी में ही आ जाती है, अब चाहे उस खाने के असली हकदार शेर ही क्यों ना हो। और यह मगरमच्छ इन पर अपनी दोस्त जमाने से नहीं चूकता, लेकिन इन जंगली बिल्लियों के झुंड में मौजूद शेर के शेर बब्बर शेर ने मगरमच्छ को उसकी औकात याद दिला दी। और भाई का जरा एटीट्यूड तो देखो कि खुद अकेले ही पानी में घुसकर मगरमच्छ को भगाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब बब्बर शेर नहीं होता तो शेरनियां भी मगरमच्छ को घेर लेती हैं, जहां मगरमच्छ को पीछे हटना ही पड़ता है, क्योंकि जमीन पर लायंस का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर यही लड़ाई पानी में होती तो मगरमच्छ इनके पूरे झुंड पर भारी पड़ सकता है, जहां सिर्फ इक्का दुक्का शेर ही बच पाते हैं। नंबर 3 पर है चीता। अब यह वीडियो तो आपने देखी होगी, जो कि खलनायक के सॉन्ग के साथ काफी वायरल हो गई थी, जिसमें चीता मगरमच्छ की मौजूदगी का पता नहीं लगा पाता और सीधा मगरमच्छ के जबड़ों में फंसकर मौत के घाट उतर जाता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर वयस्क मगरमच्छ को एक दिन में कम से कम 1 किलोग्राम मांस चाहिए होता है। वहीं 25 किलोग्राम मांस एक बार खाने के बाद यह पूरे महीने तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। नंबर 2 पर है टाइगर। क्या आपको इस खूंखार लड़की के बारे में पता है? इसका नाम है मछली, जो कि बाघों की रानी है। यह अब तक की सबसे ज्यादा उम्र वाली बाघिन है, जो कि वाइल्ड नेचर में टिकी हुई है। यह काफी पावरफुल और हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करने में लगी रहती है। यही नहीं, यह अपनी हंटिंग स्किल्स और ताकत के लिए काफी मशहूर है, और 2003 में यह 11 फीट लंबे क्रोकोडाइल से लड़ी थी, जिसे इस बाघिन ने मारकर ही दम लिया। लेकिन अंत में अपनी जान बचाने के लिए बार बार मगरमच्छ की ठोस खाल में काटने से इस बाघिन के 2 नुकीले कैनाइन दांत टूट गए, और मछली नाम की इस बाघिन की एक आंख भी किसी दूसरे टाइगर से लड़ते हुए खराब हो गई, जिसके बाद यह काफी कमजोर होने लग गई। एंड काफी सारे ट्रीटमेंट्स के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट इसे बचा नहीं पाई, और यह बाघिन अगस्त 2016 में भगवान को प्यारी हो गई। एंड फाइनली दोस्तों, कहते हैं ना कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपकी जान भी ले सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे नंबर 1 बाघ के साथ, जिसके ओवर कॉन्फिडेंस ने उसकी जान ले ली। आज के एपिसोड के इस नंबर 1 लिस्ट में है हमारा ये नंबर 1 मगरमच्छ। इस पुरानी सी ब्लैक एंड व्हाइट रिकॉर्डिंग में एक खतरनाक बाघ चलता दिख रहा है, जिससे थोड़ी सी दूरी पर एक मगरमच्छ इस बाघ को मारकर खाने की ताक में बैठा है। और कई सारी लड़ाइयों का एक्सपीरियंस लेने के बाद यह बाघ इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है
कि यह मगरमच्छ उसे कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही बाघ मगरमच्छ के करीब जाता है, तब हमारा छुपा रुस्तम मगरमच्छ उस पर अटैक कर देता है। और जैसे ही मगरमच्छ के जबड़े में बाघ फंसता है, वैसे ही मगरमच्छ चक्कर खाने लगता है ताकि बाघ की सारी हड्डियां टूट जाए। और जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ और यहाँ हमारा बाघ चारों खाने चित हो गया, क्योंकि मगरमच्छ के पहले हमला करने से वह जीत गया। वैसे तो हमारे बाघ काफी शांति से रहना पसंद करते हैं, वह लड़ाई नहीं करना चाहते, और इसीलिए कई बार मगरमच्छ द्वारा पकड़े हुए शिकार को खाने के लिए हमारे बाघ काफी घंटों तक वेट करते हैं। और मगरमच्छ के जाते ही बाघ पानी में उतर कर बचा कुचा खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखकर आपको पता लग गया होगा कि जंगल की दुनिया में मगरमच्छ और जंगली बिल्ली दोनों ही एक समान पावरफुल हैं, बस फर्क जमीन और पानी का है। क्योंकि जैसे पानी में मगरमच्छ का कोई मुकाबला नहीं है, वैसे ही जमीन पर शेर को कोई टच भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना, और हर संडे सुबह 11 बजे साइंस एंड एनिमल वर्ल्ड से रिलेटेड न्यू वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन जरूर दबा देना। और अगर आपको कीड़ों की दुनिया के यमराज को देखना है तो इस वीडियो को देखें, नहीं तो दुनिया की सबसे खूंखार जनजाति को देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें। और इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।